और कराची और सिंध की पार्टी ने रखा हुआ है तो उसके लिए रास्ते बलावर ने बंद किए। मेरे मोहतरमा साथी कार कह रहे थे कि ये मौलवी 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 मौलवी, मैं कहता हूँ आपकी पीपल पार्टी आपके जो स्टेटअप में अपने वजूद को शामिल करने की जद्दोजहद कर रहे कौम परस और पॉपुलर पार्टियां भी उस मजहबी पार्टियों से बहुत आगे, क्योंकि उन मजहबी पार्टियों की इमामत या नवाज शरीफ कर रहा है या बेनजीर का बेटा असद जरदारी कर रहा है। इस किस्म की पार्टियां जो किसानों की मजदूरों के हमें अलायंस और इतिहाद अवाम से करना 98% मेहनत कशों से, बजाय इसके क्या मौलवी और पॉपुलर और सेकुलर नारे लगाने वाले वो पार्टी जो आवाम की दुश्मन, इस मिट्टी की दुश्मन, इस तहजीब की दुश्मन है उनकी तरफ गए। या हमारी लीडरशिप, हमारी विफाकी कमेटी, हमारे नुक्ता नजर इस पर मजबूत अकीदे के साथ मौजूद है। आपने ट्रेन मार्च और कांग्रेस की तैयारी में उनकी दूरस अप्रोच ने एक ट्रेन मार्च की शक्ल में उसको तब्दील किया और एंटी वार बहुत बड़ी बात है। ये अवामी वर्कर पार्टी के 200 साथियों कांग्रेस के बगैर कोई माई का लाल इधर एंटी वार बात नहीं कर सकता। ये आपने क्यों दुनिया को आपने साबित किए और जब आपने दुनिया को साबित किए तो ये कांग्रेस की शिरकत आपके जिम्मेदारी तब में इस एंटी वार मार में आपके डेलीगेट्स और साथियों की और उस रेलवे यूनियन की जो रजी साहब उसकी क्यादत कर रहे हैं उनका भी मशकूर हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं। क्यों ये जंग पाकिस्तान के पिसे हुए इत्तेफाक के हाथ में नहीं है। इस जंग के नतीजे में मजहबी बुनियाद परस और तालिबान को ताकत मिलेगी। जो इंसान दुश्मन है, मजहब दुश्मन है, तहजीब दुश्मन है, वतन दुश्मन है। और यह मोदी आपको सुना देना चाहता हूं कि आपके इस जंग से आपकी आरएसएस को फायदा होगा, लेकिन हिंदुस्तान में एक टाइम का खाना वो खाने वाले 7 करोड़ लोग भूखे रहे तो एक टाइम का खाना खाते वो जंग नहीं चाहते। यह जंग फौजों की, यह जंग मल्टीनेशनल कंपनीज की, यह जंग वहां के सरमायेदार और यहां के जागीरदारों की और मराठी याफ्ता मूल्यों के बेकार और फौजी जनरलों के असर से बढ़ाने के लिए अवामी वर्कर पार्टी इस किस्म की मसनूई जंगों की मुखालफत करती है और डटकर मुकाबला भी करेंगे इस किस्म के। ये आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया। 30 को मैं सुन रहा हूं कि इमरान करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम अपने दीवार पे एक तसलसल के साथ तारीख हम लिखते हैं कि एक बुनियादी समाजी तब्दीली उसने हमारी जो जदोजहद और हमारे नारों को लेके पालिश करके एक मसनूई तरीके से वो करप्शन फ्री या तब्दीली की बात कर रहे हैं। इमरान अगर आप करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात करते हो तो तारीखी तसलसल इस कांग्रेस में बैठा और उनकी पार्टी है। आपको सीखने के लिए और आपको हकीकी तब्दीली लेने के लिए हमसे बात करनी होगी इंकलाबियों से। और करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा कौन सा जिसमें अफगान जहाज में जिन्होंने पैसे बनाए और कश्मीर जहाज में और जिंदगी के हर साइड पे जो लोग मौजूद है करप्शन की वो अकेले बीटी लिस्ट पानामा लिस्ट नहीं यह लेफ्ट लिस्ट को भी शामिल करें कि हम हमेशा और हमारी क्यादत कहते रहे कि ये करप्शन हो रहा है। वो अगर आप अफगान जहाज और कश्मीर की जहाज से करप्शन का हिसाब लेकर और इधर ऐलान करेंगे कि पेदरसरी निजाम बराबर के दरमियान में एक इम्तियाजी कानून है और मेरी जो माए बहने मेरे साथ हर जलसे में होती है मैं पेदरसरी निजाम को तोड़ूंगा, मैं जागीरदारी निजाम को तोड़ूंगा, जरी इस्लाहात के हाथ में जाऊंगा, मैं कौमी ना बराबर जो मौजूद है इनका खात्मा करूंगा,
मैं रियासत में रोजगार की जमानत और समाज के इंसाफ दूंगा, मैं तरक्की की बात करूंगा, फिर आप मानती मानेंगे और ये होगी आपकी तब्दीली की बात। लेकिन आप ऐसे पाकिस्तान के आवाम को धोखा नहीं दे सकते और ना कोई धोखा खा पाएगा। ये थोड़ा एक पॉलिटिकल एक सियासी पैगाम बन गया, लेकिन मैं टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा आपके साथ आता हूं अपने प्रोग्राम पे। मुझे आज बड़ी खुशी हुई और सबसे ज्यादा खुश मैं अपने मुंतखब सूबाई क़यादत से हुआ कि उन्होंने मरकजी पार्टी को कुछ शिकवे की शक्ल में उनकी जिम्मेदारियों की बात की। हम आपसे वादा करके थोड़ी दुआ कर ही दिया, हाँ तो दुआ मान के नहीं लेकिन आपको ये अंदाज होना चाहिए मंसूर में अपनी कश्मीर की और जेबी की, फाटा की, बलूचिस्तान की, सरायकी वसीयत की, पख्तूनख्वा की, पंजाब की और सिंध की मुंतखब कौमी इकाइयों की क़यादत के लिए लेकर आए कि इसमें आपके सूबे पावरफुल है, पावरफुल आपके पास अख्तियार है, आपको शिकवे करने की जरूरत नहीं। आप पार्टी पॉलिसी और आपको फैसिलिटेट करने में हम हमारी जिसात और ताकत के मुताबिक जो चीज होगी आप हमें ले सकते हैं, लेकिन पार्टी बनानी आपने, हर एक यूनिट अपने हालात के अंदर बाख्तियार है। हमारे से तवक्कु करिए कि आप हमें और खुद कैसे इस पार्टी को आगे लेकर जाए, और इसके लिए वफाकी कमेटी के पहले इजलास से पहले मैं आज पूरे हाउस को अनाउंस करता हूं, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए, मैं तो जायद अख्तर भाई से डरता हूं क्योंकि हमारे पीछे भी तो बाकायदा ऐसे दोस्तों को रखा है कि वो हर वक्त हमें हमसे हमारे वादे पूछते रहेंगे। विफाकी कमेटी से पहले पांचों सूबाई यूनिटों में मैं और हमारी कैबिनेट के कुछ अहम साथी जाकर हम आपकी सूबाई कमेटियों में बैठेंगे, उनमें आपने सीनियर साथियों को वहां विफाकी कमेटी के साथियों को बैठा के ताकि हर एक यूनिट के हालात को हम सीख के परखें और उसके मुताबिक विफाकी कमेटी को पहले विफाकी कमेटी को हम अनाउंस कर दें। चूंकि आपका काम स्पीड के साथ है, एक महीने के अंदर हमने चारों यूनिट में जाके बलूचिस्तान, सराइकी, पख्तूनख्वा, लाहौर, पंजाब और कराची, हैदराबाद में तो ये एक आप अपनी जिम्मेदारी कबूल भी कर लो, हम आपके साथ हाजिर होंगे और इसको हमने तरतीब देना होगा। तीसरी बात तंजीमी तौर पर मैं ये कर कहना चाहता हूं कि थोड़ा हमने जैसे साथियों ने बहुत अच्छी बात की और ठीक क्या हमें तनकीद और खुद तनकीदी न हो, मैं पूरे हाउस से सर झुका के माफी मांगता हूं कि हमारा मरकजी सेफ्टी, हमारे मरकजी और सूबाई सदर एंटी वार मार्च में इतना अहम मैच कराची में होते हुए नहीं आ सका। मैं माफी चाहता हूं, जो काम मैंने जरूरी समझा उससे ये तक मैं ट्रेन के सामने आप कारकुनों साथियों के इस्तकबाल के लिए खड़ा होता, ये मैंने गलती की और उसकी मैं आपसे माफी चाहता हूँ और इस तरह तनकीद हम मान लीजिए, लेकिन मैं सर के सर की तनकीद करना चाहता हूँ, आपने मुझे अच्छी हजरत नहीं दी, हजरत तो बहुत अच्छी नहीं मिली थी, आपको भी सोचना चाहिए था कि आप नई क्यादत को पूरे पाकिस्तान में हजरत की मार्केट कर रहे हो और आपने ऐसी हजरत दी है मुझे, मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी हजरत मिली थी। हम तंजीमी तौर पर तमाम इजलास तक जाएंगे और तमाम इजलास में बात करेंगे। एक आवाम सी बात हुई है, निसार शाह साहब की स्पीच में एक फाटा का पॉइंट उठा, पाकिस्तान के सिर और कौमी सूबा होने के साथ पाकिस्तान एक मुतनाजा कौमी इकाइयों की बुनियाद पर एक मुल्क मौजूद है, और मैं थोड़ा सा आपको एक हकीकत की तरफ लेके जाता हूं
हिंदुस्तान में जब तारीख उठी तो हिंदुस्तान की सीपी ने करारदाद पास करके सबसे कहला पहले कहा कि अगर मुसलमान अपने तौर तरीकों के साथ हिंदुस्तान के अंदर अलग मुल्क बनाना चाहते तो उनको इजाजत दी जाए, उनको हाके अलहदगी और हाके खुद इरादियत दी जाए। हम उस तसलसल का ऐसा है कि हमारे पास कौमी इकाइयों के लिए इस मंशूर में और आईन में तमाम चीजें मौजूद है, हम तफसील में नहीं जाते। और जो चीजें पाकिस्तान के आईन का हिस्सा नहीं तो पार्टी विफाकी कमेटी में और इस प्रोग्राम में कह चुकी है। अलबत्त जीबी के और कश्मीर के साथी और हमारे मुंतखब सरदूर और हमारे कायद और हम बैठ कर और वहां के जो अच्छे तरह पसंद है बैठ कर हम आपकी जदोजहद के लिए लायामल बनाने के लिए इस्लामाबाद लाहौर जाना चाहते एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसमें हम आपके लिए लायामल और फिर वो विफाक की कम्युनिटी को रखें। लेकिन आप बलूचिस्तान में जाए वो कहते हैं कि हमारे कुछ हिस्सा पंजाब के पास हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जो इस मर्जिस के साथ में खामोश हुआ हूं, हमारी पाकिस्तान आवामी पार्टी के प्रोग्राम में जुराफे उर्दू की जो बात की थी अटक और मेवाई हम हमेशा पख्तूनख्वा के लिए मानते रहे। और मेरे जो आपको कहा कि हमारे पास इधर जमात इस्लामी से भी बदतर नारे लगाने वाले सेकुलर और कौम परस्त हो गए तो अवामी नेशनल पार्टी के दो अहम लीडर ने कहा कि आपके इस नारे के साथ कि आप फाटा को आप बलूचिस्तान को आप पाटा को जो मलाकंड देवी दे रहे और अटक मेवाली को मिलाने की बात करें तो इसमें हमारी हैसियत क्या होगी। लोग सियासत में और कौमों की तरक्की में अपनी हैसियत को काउंट करते हैं, वो कौमों की तरक्की और उसकी तहजीब के लिए नहीं सोचते। अंदर की कहानी लोगों की है तो इस किस्म के सवाल पर हमारे पास बहुत दूर अंदेश एक बहुत अजीम असासा है। इसके रहनुमाई में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी कि हम अपने कायद को बैठा कर उसमें अपनी पॉलिसी, लेकिन बहस और दलह के नतीजे में सब और चीजें। हसन सजाद भाई ने मैं हमेशा इतफाक करता हूँ काम करने वाले लोगों के बारे में, लेकिन जो लोग काम नहीं करते उनका भी एक तवील सफर है। मैं प्रोग्रेसिव और स्टूडेंट फेडरेशन मुझे रमजान मिलेगी और इतना ही खतरनाक टाइम तो ये सब कह रहे हमारा रोजा है। मैंने कहा मैं तो खा रहा हूँ बीमार और आप स्टडी सर्किल रखा है तो पार्टी का अपना कौमी सिलेबस नहीं बना स्कूलिंग का, हर कोई अपने अपने तौर पर जो कुछ सीखा है कर रहे, लेकिन मैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन को कुछ सवाल देता हूँ कि उनको आप आगे बढ़ाए ये का। और ये आज हाउस को कहता हूं कि ये कायनात जमीन पर मुश्तमिल नहीं है, हम इसका जो साइंसी जायजा वो सामने रख लें, फिर उसमें कुरे अरस के अरबों साल हो गए साइंस के और तहकीक जारी इस जमीन का।